वेलकम टू बैक माय चैनल गाइस। तो आपने हमारा लास्ट एपिसोड ब्रेकडाउन का देख ही चुके होंगे। इसमें इतने हिडन डिटेल्स नहीं है, पर मुझसे जितना हो सके मैंने उतना बताया है। ये पांचवा एपिसोड बहुत इमोशनल है, आपको इसमें देखने के लिए बहुत मज़ा आएगा। और आपने इसे देखा ही होगा खुद को मारते हुए, ये शायद उसका पाँचवा रूप हो सकता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो उसका थर्ड रूप मीन्स, और यहाँ पर आप देख रहे हो उसकी नाक टूटी हुई है, उसके बाद में वापस उसकी नाक जुड़ जाती है। तो ये इसे पकड़ा नहीं गया, ना ही मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया है। इसे एक ड्रीम में है, खुद के अंदर ही सपना देख रहा है। और ये है जैक लॉकली, जो इसका थर्ड रूप है, जो मार्क को नहीं पता अभी तक। और ये हमें आगे सीरीज में देखने मिलेगा शायद। और ये है हिप्पो, जो हमें मार्क दिखाती है स्वर्ग में, कि हम अपनी जो गलती की है वो सुधार सकते हैं कि नहीं। और वैसे ही मार्क दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि वो किधर और है, अपना बोट में है जहाँ पे वो लोग जाते हैं, इसे डुआट कहते हैं। और वो हिप्पो उनका हाथ निकाल लेती है और फैदर से वेट करती है। अगर फैदर से ज़्यादा होगा तो उन्हें दोनों को डुआट में धकल दिया जाएगा, जहाँ पर वो उनके साथ मतलब मूर्ति बन जाएंगे, स्टैचूज। और उनको जाना है फील्ड ऑफ ग्रेड में, जहाँ से वो लोग जिंदा होके फिर से वापस जा सकते हैं। और आपने और उसे भेज देते तुम अपनी गलती सब कुछ अपने बारे में बताने के लिए। और वहाँ पे जाके आपने देखा ही होगा उसकी जो पुरानी यादें जो हमें एपिसोड में दिखाई गई है। और यहाँ पर आपने ये देखा भी होगा साइड में लोगो, वो एक और है कॉमिक बुक के लिए, उसे मून नाइट वन सीरीज करके, आप उसे स्कैन करोगे तो आप वो कॉमिक बुक पढ़ सकते हो। वो एक और रूम में चले जाते हैं, और जहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे मार्क ने बहुत जनों को मारा है, जिसने कौनशु ने कहा है उन्हें मारने के लिए। और उसी वक्त वो वहाँ पे फिर से वो वेट देखने लगता है। और ये है मार्क स्पेक्ट्रम की माँ, और मार्क स्पेक्ट्रम का भाई भी था रो रो करके, पर वो अभी हमें स्टोरी में बताने मिलेगा। और ये उसके फादर है, ये लोग दूसरे दरवाजे में घुसे थे तभी। उसके अंदर यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा एक कौनशु का ये छोटा हुआ मर गया वो, और यहाँ पे उसकी माँ उससे नाराज़ हो चुकी थी क्योंकि रोरो गलती से मर गया गुफा में जाते हुए, क्योंकि बारिश हो रही थी और वो वहाँ पे फंस गए थे और मर गया। और मार्क की माँ मान रही है कि मार्क ने ही अपने छोटे भाई को मारा है, इसके लिए तभी से वो उसे मतलब मेंटली टॉर्चर करने लगी। उसके बाद में ही जब मार्क वो रूम में उसे देखने आता है, वैसे ही स्टीव देखने आता है, वैसे ही मार्क उसे रोक देता है और खींच के दूसरे रूम तक लेके आता है। पर वो रूम में जब वो लोग जाते हैं तब वो देखता है कि मार्क बड़ा हो चुका है और घर छोड़ के जा रहा है, और उसके फादर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से वो खींच के दूसरी जगह लेके जाता है, और वो वापस फिर से मार्क की ही यादों में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उसने लायला के फादर को मारा था, जहाँ पे उसके फ्रेंड के साथ वही सब कुछ दिखाया गया है जो आर्कियोलॉजिस्ट था। ये देखिए कॉमिक में ऐसा बताया है कि मार्क को वहाँ पे मारते हैं उसके फ्रेंड्स, और उसे अपना मंदिर के पास लेके आते हैं जो कौनशु भगवान का होता है, पर यहाँ पे वो खुद से गया है कौनशु भगवान के पास में, और वहाँ पे ही उसे पावर मिली है यहाँ पे। और वो दिखाया भी गया है कि कौनशु ने उसे पावर दी है, कौनशु ने कहा था अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो तुम्हें मेरा हर एक काम करना पड़ेगा, नहीं तो तुम ऐसे ही मर जाओगे करके। और यहाँ पे वो फिर से बोट में चले जाते हैं, और वो हिप्पो कहती है कि तुम्हारा अब तक वो संतुलित नहीं हुआ, तुम्हें फिर से अपने बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। और ये है बिग गेट जहाँ पे उन्हें जाना है, और मार्क उसे फिर से लेके आता है वही रूम में जहाँ पे उसे रोका था, वहाँ पे जब भी वो स्टीव छोटा होता है और सब कुछ, तभी ही मार्क जब छोटा होता है उसी वक्त उसके अंदर स्टीव का रूप आ जाता है। ये आपने वीडियो में देखा ही होगा। यहाँ पे जब भी मार्क फिर से गया था, उसकी माँ डेथ हो गई थी तभी फ्यूनरल पे, और फिर से यहाँ पे मार्क स्टीव का रूप इसके अंदर आ गया। मेंटल डिसऑर्डर उसे शुरुआत बचपन में ही हो गई थी, वो भी उसके माँ के मेंटल टॉर्चर के कारण। और यहाँ पे वो फिर से आ जाते, और जब उनका फेजर मतलब परफेक्ट होने वाला होता है, वैसे ही डुआट आ जाते हैं, इनको आदमी आ जाते हैं डुआट के इसे लेने के लिए। और वैसे ही स्टीव जब भी माँ को बचाने आता है, गलती से वही नीचे गिर जाता है और स्टैचू बन जाता है। ये कहानी यहीं तक थी,
तो हम आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।